दोस्तों, फिल्मी दुनिया में सितारों की कमी नहीं है। यहाँ पर गुजरे जमाने में कई सितारे हुए हैं जिन्हें लोग आज भी पसंद करते हैं और उनकी फिल्में आज भी देखते हैं। 70 के दशक में एक और अभिनेता लोगों के सामने उभर कर आया जिसने अपने निगेटिव रोल से लोगों को काफी एंटरटेन किया। लोग इस विलेन के अभिनय से बहुत डरते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये विलेन हीरो को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए। निगेटिव रोल के साथ इस कलाकार ने कुछ पॉजिटिव रोल भी किए जिसे दर्शकों ने भर भर के प्यार दिया। हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक में लगभग हर दूसरी फिल्म में नजर आने वाले मशहूर सहायक अभिनेता, कैरेक्टर एक्टर और डायरेक्टर ओम शिवपुरी की। अक्सर लोग निगेटिव किरदार को रियल लाइफ में भी निगेटिव ही मानने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे कलाकारों की असल जिंदगी की अच्छाई नहीं देखी होती है। शिवपुरी फिल्मों में जिस कदर विलेन का रोल निभाते थे, असल जिंदगी में उसके उलट एक नेक दिल और अच्छे स्वभाव के इंसान थे। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू कराएंगे और उनके जीवन को भी नजदीक से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उनका जन्म 14 जुलाई साल 1938 को राजस्थान के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरी की। हालांकि उनकी उच्च शिक्षा की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने साल 1963 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से ग्रेजुएशन किया था। उसके कुछ समय बाद वे फिल्मों की दुनिया में चले गए थे। हालांकि उसके पहले वे जयपुर में एक रेडियो स्टेशन में काम करते थे। बहरहाल, एक्टिंग सीखने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर नई दिल्ली में ही दीशांत नाम से एक थिएटर ग्रुप खोला, जहां उन्होंने कई प्ले में एक्टिंग करने के साथ साथ उन्हें डायरेक्ट भी किया, जिसमें उनके कई पॉपुलर प्ले हैं जैसे आधे अधूरे, खामोश, अदालत जारी और कोर्ट चालू है। आखिरकार साल 1971 में उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और एक विलेन की भूमिका में वे आगे चलकर बहुत लोकप्रिय हुए। उनकी पहली फिल्म थी आषाढ़ का एक दिन, जो मोहन राकेश के एक नाटक पर बेस्ड थी। इस नाटक का भी नाम आषाढ़ का एक दिन ही था। इसमें शिवपुरी ने विलोम की भूमिका निभाई थी। फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और इसके साथ ही इस फिल्म ने बेस्ट मूवी का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी जीता। उसके बाद उन्होंने गुलजार साहब के द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म कोशिश में अभिनय किया, जिसे साल 1972 में रिलीज किया गया था। ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें अभिनेता संजीव कपूर और जया भादुड़ी दिखाई दिए। दोनों ने फिल्म में शानदार अभिनय किया था। शिवपुरी ने फिल्म में नारायण का किरदार निभाया था, जो लोगों को काफी पसंद आया। इस फिल्म ने उन्हें आगे आने वाली फिल्मों में कई किरदार दिलाए। ये बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई और इसने दो फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। इसके बाद वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और साल 1973 में वह अपनी तीसरी फिल्म में दिखाई दिए, जिसका शीर्षक है नमक हराम। फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित किया गया था और म्यूजिक आरडी बर्मन ने दिया था। मुख्य भूमिका में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दिखाई दिए। इसके साथ ही शिवपुरी ने दामोदर महाराज की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लगभग सभी गाने काफी पॉपुलर हुए, जैसे दिल जलते हैं, फूल खिलते हैं और नदिया से दरिया, दरिया से सागर। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई और इसने कई पुरस्कार भी जीते। दोस्तों, उनकी चौथी फिल्म और पांचवी फिल्म साल 1973 और 1975 में आई थी, जिसका शीर्षक था अचानक और आंधी, जिसमें से आंधी काफी हिट हुई थी और इस फिल्म के गाने लोगों को बहुत पसंद आए थे। इसने शिवपुरी के अभिनय करियर को और आगे लेकर जाने का काम किया। 70 के दशक में उन्होंने कई और फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें हम किसी से कम नहीं, डॉन, स्वर्ग नरक और हम तेरे आशिक हैं। साल 1978 में आई फिल्म डॉन काफी हिट हुई, जिसमें उन्होंने शानदार अभिनय किया था। ये एक क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे चंद्रा बरोद द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जीनत अमान मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। शिवपुरी ने इसमें आर के मलिक की नेगेटिव भूमिका निभाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म साबित हुई। वैसे आज भी लोग इस फिल्म को उतना ही पसंद करते हैं जितना तब करते थे।
दोस्तों 80 के दशक में भी उन्होंने कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे खूबसूरत, फिर वही रात, बंदिश, द बर्निंग ट्रेन, अंधा कानून, डिस्को डांसर, पेंटर बाबू, कुली, हम दोनों, गिरफ्तार और बीवी हो तो ऐसी। उसके बाद 90 के दशक में उनकी कुछ और फिल्में आईं, जैसे स्वर्ग और जुर्म। हालांकि उनके मृत्यु के बाद भी उनकी कुछ फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें से उनकी आखिरी फिल्म साल 1997 में आई थी, जिसका शीर्षक था आखिरी संघर्ष, जिसमें वीरेंद्र घटगे, काजल किरण, मुकेश खन्ना मुख्य भूमिका में शामिल थे। इसमें शिवपुरी ने पटेल के मित्र की भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि इस फिल्म को साल 1982 को ही बनकर फाइनल कर दिया गया था और साल 1986 में इसके रिलीज होने का अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन किसी कारणवश ऐसा ना हो सका और साल 1997 में इसे रिलीज किया गया। दोस्तों शिवपुरी ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 175 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव सभी किरदार से लोगों को रोमांचित किया। उन्होंने साल 1968 में सुधा नाम की एक लड़की से शादी की, जो उनके ही साथ जयपुर के रेडियो स्टेशन में काम करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच पहचान हुई और उसके बाद दोनों के बीच प्यार हुआ। आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। उनकी पत्नी सुधा ने उनका बहुत साथ दिया। इसके अलावा साल 1977 में दोनों ने साथ मिलकर थिएटर ग्रुप भी ओपन किया था, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है। इसके अलावा उनकी पत्नी भी कई नाटकों, फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में नजर आ चुकी हैं। आपको बता दें कि साल 1977 में उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और कई फिल्मों में दिखाई दी। दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। उनके बेटे का नाम विनीत शिवपुरी है, जबकि उनकी बेटी का नाम ऋतु शिवपुरी है। हालांकि उनके बेटे के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी बेटी ऋतु बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। 90 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया। गोविंदा के साथ एक हिट फिल्म आंखें के गाने, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता से वे दर्शकों के दिलों में बस गई थी। यहाँ तक कि उनकी वह पहली फिल्म थी। वह भी अपने पिता की तरह ही मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल है। हालांकि धीरे धीरे उनके अभिनय करियर का ग्राफ नीचे गिरता गया और वह भी फिल्मों से दूरी बनाती गईं। फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने एक लंबा अंतराल लिया और करीब 11 साल बाद उन्होंने अभिनय में दोबारा एक सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं से कमबैक किया, जिसमें वह शिवानी तोमर की मां की भूमिका में नजर आईं। अभिनेत्री के अलावा वह एक ज्वेलरी डिजाइनर भी हैं। उन्होंने एंटरप्रेन्योर हरि वेंकट से शादी की है। उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें दो जुड़वा हैं, उनमें से एक लड़का और दूसरी लड़की है। उनके नाम रोहिल और शमारा है और उनकी तीसरी बेटी का नाम राया है। ओम शिवपुरी के पिता का नाम राज नारायण था, जो एक डॉक्टर थे, जबकि उनकी माता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि वह अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। इसका प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने परिवार के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने बॉलीवुड में कई शानदार फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें एक भी पुरस्कार से नवाजा नहीं गया। खैर, इसके बावजूद भी उन्होंने काफी नाम कमाया। दोस्तों उन्होंने अपने अभिनय से सभी का दिल जीता और अपने दम पर उन्होंने फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। करीब दो दशकों तक उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना दबदबा कायम रखा और आखिरकार साल 1990 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। महज 52 साल की उम्र में वे दुनिया को अलविदा कह गए। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं, जो किसी कारणवश रिलीज नहीं हो पाई थीं। खैर, आज भी वे उनके चाहने वालों के दिल में हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी और आपको उनके बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही ऐसे ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।